ओके, अब हमारे पास फिफ्थ फैक्टर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मुख्तलिफ डेफिनेशन आप लोग जानते हैं। कोई कहता है इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। दूसरा फैक्टर या दूसरी डेफिनेशन, इट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। और तीसरी डेफिनेशन, इट प्रोवाइड्स alternative path for reaction। ये एक नया रास्ता दिखाती है जो shorter होता है, shorter होगा और quicker होगा। तो ये तीन possible definition हमारे पास catalyst की है, ठीक। और विदाउट बींग इन्वॉल्व, ये भी आप जानते हैं, लेकिन ये बात गलत है। इट इन्वॉल्व बट डोंट गेट यूज्ड, इस्तेमाल नहीं हो पाता। इन्वॉल्व होगा लेकिन फौरी तौर पे रीफॉर्म भी हो जाएगा बाय रीफॉर्मेशन, ये रीफॉर्म भी हो जाएगा। तो इस मुनासिबत से हमारे पास कैटलिस्ट की दो टाइप बनती, एक हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, दूसरा होमोजेनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजेनियस होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस को हेट्रोजेनियस क्यों कहते हैं? इफ कैटलिस्ट हैज अ डिफरेंट स्टेट और फेज कंपेयर्ड टू इट्स रिएक्टेंट, अगर इसका स्टेट और फेज इसके रिएक्टेंट से मुख्तलिफ हो, जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन गैस हाबर प्रोसेस की, एक रिवर्सिबल प्रोसेस की इक्वेशन आप जानते हैं, इसमें आयरन किस सॉलिड हालत में है, बाकी दीज टू आयरन गैसेस थे। तो जब कैटलिस्ट की स्टेट रिएक्टेंट की स्टेट से मुख्तलिफ होगी, तो ऐसे कैटलिस्ट को हम हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। और इफ कैटलिस्ट हैज सेम स्टेट और फेज एज इट्स रिएक्टेंट्स, जैसे C2H5 एथेनॉल क्या है, लिक्विड, CH3COOH ये एक्वस है लेकिन है एक मोर और लेस लिक्विड,
turns into ester C2H5O2CCH3 plus H2O. इसमें तुम कैटलिस्ट यूज कर रहे हो H2SO4, वो भी एक्वस। तो जब इसकी स्टेट या फेज मैचिंग हो तब हम इसको क्या कहते हैं, होमोजेनियस कैटलिस्ट। अच्छा, अब जरा पहले थोड़े से जनरल ग्राफ देख लें। हमारे पास में एक स्पेशल किस्म का ग्राफ है जो हम नेक्स्ट स्टेट में देखेंगे। फर्ज करते हैं ये फॉर टेम्परेचर वर्सेस रेट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एक्सेस को लेबल कर लेते हैं प्रोडक्ट्स और टाइम 20 डिग्रीज के ऊपर। इसके बाद यहां साइज को कर लेते हैं ये लंप के साथ और ये पाउडर्ड के साथ और ये विदाउट कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट। ये तीन चीजें या तीन ग्राफ जो जनरल बेसिस के ऊपर हम स्टडी करते हैं। आज की क्लास में मैंने क्या सीखा, क्या देखा? आई ऑब्जर्व दैट देयर आर फाइव फैक्टर्स दैट कैन ऑल्टर रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें तीन को मैं ग्राफिकली एक्सप्रेस भी कर सकता हूं। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मैं यहाँ पे इस चेंज को स्टडी कर सकता हूँ। डिक्रीज इन साइज ऑफ पार्टिकल कैन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट ऑल्सो इनकरेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इज दैट थिंग मेकिंग सेंस टू एवरीवन? फेज मतलब स्टेट होता है समीर, हालत। इज दैट थिंग मेकिंग सेंस टू एवरीवन? सो आई एम सेंडिंग अ वीडियो लिंक फॉर दीज फैक्टर्स सो यू कैन मेक योर नोट्स एंड गो थ्रू द बुक एंड इफ देर आर एनी क्वेश्चन। अभी इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल सी यू ऑन थर्सडे। अल्लाह हाफिज। ओ यस, वन मोर थिंग, इफ एनीवन देयर, इज एनीवन देयर?